बीएमसी अधिकारियों को सीएम शिंदे की चेतावनी, बारिश के पानी से हुई दिक्कत तो होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर का विस्तार हो रहा है और उनकी सरकार सभी सुविधाएं प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। सीएम शिंदे मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कुछ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम शिंदे ने बृहन मुंबई महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त पी बेलरासू के नेतृत्व में अधिकारियों के साथ विले पार्ले स्थित मिलन सबवे और निर्माणाधीन तटीय सड़क का निरीक्षण किया। सीएम शिंदे ने कहा कि हमने मानसून पर्व कई कार्य किए हैं। मैंने आज सुबह कुछ इलाकों का निरीक्षण किया और मैं यह देखकर खुश हूं कि जलभराव की स्थिति नहीं थी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने अपनी चेतावनी दोहराई कि यदि मानसून पर्व कार्य मानकों के अनुरूप नहीं होंगे और नागरिकों को बारिश संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काम की गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता, सीएम शिंदे ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता और स्तर से कोई समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि इन कार्यों के लिए जनता का पैसा खर्च होता है। सीएम ने उम्मीद जताई कि साल महाराष्ट्र में मानसून अच्छा रहेगा जिससे किसानों को फायदा होगा। सीएम शिंदे ने कहा कि थाने को अमृत योजना के तहत 323 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि एमएमआर का विस्तार हो रहा है और राज्य सरकार लोगों को सभी सुविधाएं देने और अवसंरचना विकास के सभी प्रयास कर रही है। उद्धव ठाकरे निकाल रहे हैं 1 जुलाई को मोर्चा। सीएम शिंदे ने बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 जुलाई को विरोध प्रदर्शन आयोजित करने संबंधी आह्वान को लेकर शिवसेना यूबीटी पर भी निशाना साधा। दरअसल कैग ने बीएमसी में पैसों की अनियमितता को चिन्हित किया था जिसके बाद सीएम शिंदे ने जांच के आदेश दे दिए थे। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीएमसी दफ्तर तक मोर्चा निकालने का फैसला किया है।